दोस्तों, क्या आपको पता है साइंस ऑफ ब्रेथ के बारे में? भगवान शिव ने पार्वती को इस विद्या का ज्ञान दिया था। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, स्वर ज्ञानात् परम गुहाम, स्वर ज्ञानात् परम धनम, स्वर ज्ञानात् परम ज्ञानम, नवा दृष्टम नवा श्रुतम। अर्थात सांस में होती सूक्ष्म क्रिया के ज्ञान से बढ़कर कोई गोपनीय ज्ञान, कोई धन, कोई दूसरा ज्ञान ना देखा गया ना सुना गया। दोस्तों, सांसों के सही प्रयोग से हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को पहले से और बेहतर बना सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप अपने विचारों और कर्मों से अपने जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक चीजों को आकर्षित करते हैं। इसका सिद्धांत यह कहता है कि संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा से निर्मित है, मनुष्य भी उसी ऊर्जा का हिस्सा है। इसलिए जैसी ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे वैसी आपके पास लौटेगी। यह भी सत्य है कि हम अपने भाव और विचारों से ऊर्जा बाहर भेजते हैं, अर्थात आप जैसा सोचते हैं आपके आसपास वैसा घटित होने लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम सोचते तो अच्छा हैं, लेकिन फिर भी हमारे आसपास वैसा घटित तो नहीं होता, तो क्या यह नियम सही है? दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे बताया गया है। हमारे आसपास वैसा ही घटित होने लगता है हम जैसा विचार उत्पन्न करते हैं। तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता? हम जो चाहते हैं उसके बारे में हम 2 बार, 3 बार या 10 बार सोचते होंगे, लेकिन उससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। उसके लिए विचार में प्रबल इच्छा शक्ति होना जरूरी है, तभी आपके अंदर से लगातार वैसे विचार उठेंगे। तो हम अपने अंदर लगातार वैसे विचार कैसे पैदा करें? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का संबंध हमारे सोचने से है। सोचते हम वही हैं जो हमारे मन में विचार उठते हैं। मन अति सूक्ष्म है, उसका स्थूल रूप सांस है। तो जैसा मन होगा वैसी सांसें होंगी, जैसी सांसें होंगी वैसा मन होगा। यानी सांस की गति को बदलकर मन की स्थिति को भी बदला जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, इससे हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग पूरी सांस ही नहीं लेते, छोटी छोटी सांस लेते रहते हैं, जबकि हम सब जानते हैं सांस से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। हम ऐसा तभी करते हैं जब हमें डॉक्टर बोलते हैं, पार्क में जाकर गहरी सांस लें, खुले आसमान में प्राणायाम करें। बहुत बार ऐसा होता है कि जो काम हम कम सांस में बेहतर कर सकते हैं उसमें हम बेहिसाब सांसें खर्च कर देते हैं। जरा सोचिए, मनुष्य 1 मिनट में 13 सांसें लेता है और औसतन 80 से 90 साल तक जीवित रहता है। एक बंदर 1 मिनट में 32 सांसें लेता है और 10 साल तक जीवित रहता है। कुत्ता 1 मिनट में 28 सांसें लेता है और 12 साल जीवित रहता है। सांप 8 बार सांसें लेता है और लगभग 300 साल तक जीवित रहता है। और कछुआ 1 मिनट में 6 सांसें लेता है और 600 साल तक जीवित रहता है। तो आइए दोस्तों, हम भी अपनी सांसों को धीमा करने के रहस्य के बारे में जानें। आपने कभी गौर किया है कि आप सामान्य अवस्था में कितनी गिनती तक सांसें ले रहे हैं? 1 या 2 गिनती तक सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य बनाना होगा कि हम 10 मिनट तक प्रतिदिन 6 गिनती तक सांस लें और 6 गिनती तक सांस छोड़ें, जिसे हम श्वास अनुपात प्राणायाम भी कहते हैं। कुछ दिन इसे सुबह करने के पश्चात आप इसे किसी भी समय, जब भी आप खाली हो, ऑफिस में या घर पर 6 की गिनती तक सांस लेने और छोड़ने का प्रयास करें। जब हम एक लक्ष्य बनाते हैं तो हमारा पूरा फोकस उस लक्ष्य को पाने में लग जाता है। तो शुरुआत में 6 की गिनती तक का लक्ष्य बनाएं। प्रत्येक व्यक्ति के सांस लेने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है, तो इस लक्ष्य को पाने की कोई समय सीमा नहीं है। इसमें 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 1 महीना लग सकता है। यदि आपको सांस लेने और छोड़ने में दोनों की समय सीमा लंबी करने में दिक्कत आ रही है तो एक समय में एक ही घटक पर काम करें। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए कि समय सीमा इतनी लंबी ना करें कि आप तनाव में आ जाएं। अपनी सांसों को तनाव देने से बचें। दोस्तों, जब आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आपको 6 की गिनती तक सांस लेना है।
सांस लेने के बाद रुकें और फिर 6 की गिनती तक सांस छोड़ें, फिर सांस छोड़ने के बाद रुकें। यदि आप सांस लेने और सांस छोड़ने की 6 की गिनती को आसानी से पा ले रहे हैं तो आप इसे 10 तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर से ध्यान रहे कि सांस लेने और छोड़ने में किसी प्रकार का तनाव ना हो। सांस लेने और छोड़ने की समय सीमा बढ़ाने के लिए इस तकनीक को फॉलो कर सकते हैं। 6 की गिनती तक सांस लिया, 2 की गिनती तक विराम, 6 की गिनती तक सांस छोड़ें, फिर 2 की गिनती तक विराम। इसका 5 बार अभ्यास कीजिए। फिर से 6 की गिनती तक सांस लें, 2 की गिनती तक विराम, 6 की गिनती तक सांस छोड़ें, अब 3 की गिनती तक विराम। इसका 8 बार अभ्यास करें। फिर से 6 की गिनती तक सांस लें, 2 की गिनती तक विराम, 6 की गिनती तक सांस छोड़ें, 4 की गिनती तक विराम। इसका 15 बार अभ्यास करें। दोस्तों, इस प्रकार से विराम की अवस्था को बढ़ाते हुए आप सांस छोड़ने की समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जिन्हें उत्तेजना, एंग्जायटी, जल्दी निराश होना, डर की बीमारी हो, इस अभ्यास द्वारा इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। अभ्यास द्वारा आपका ऊर्जा स्तर भी बढ़ेगा। डीप ब्रीदिंग से शरीर को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती है, इससे थकान भी कम होती है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो शरीर एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करता है। यह हार्मोन न सिर्फ खुशी की अनुभूति देता है बल्कि शरीर के लिए दर्द निवारक का भी काम करता है। शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने से शरीर का इम्यून सिस्टम बेहतर बना रहता है और शरीर के सभी अंगों की फंक्शनिंग सुचारू रूप से होती है। तो दोस्तों, सांस के और भी गुण रहस्यों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।